आज मैं यहाँ अड्डे पे आया हूँ, खासकर रेड़ी वाले जो यहाँ पे चावल राजमा की रेड़ी लगाते थे, छोटी छोटी रेड़ियाँ अपना रोजगार चलाते थे, इनका मसला मैंने पहले भी उठाया, डेपुटेशन घर पे आए थे, डीसी साहब के सामने मसला उठाया था, इन रेड़ी वालों को इजाजत दी जाए चलने की कोविड-19 का प्रोटोकॉल का फॉलो करके। क्यों जी? मास्क पहन के जो भी प्रोटोकॉल है, जैसे भी प्रोटोकॉल नया भी आया हुआ है, वो आप फॉलो करेंगे, लेकिन पहले इजाजत देंगे आपको तभी फॉलो करेंगे। जब इजाजत नहीं देंगे कैसे फॉलो करेंगे आप? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन रेड़ी वालों का मसला जो है, ये गरीब लोग हैं, ये रोज का 100-200 रुपया कमाते हैं और घर चलाते हैं अपना, और अपने बच्चों की पढ़ाई चलाते हैं, करवाते हैं, और ये पिछले 6 महीने से, क्यों भाई हो, पिछले छह महीने से इनका काम बंद है। क्या वजह है कि इन रेड़ी वालों का काम क्यों बंद है? क्या ये गरीब है? इसलिए ये गरीब है, इसलिए आपने इनको दबा के रखा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये कौन सा, पूरी दुनिया में अगर आप देखें, जहाँ जहाँ जो फॉलो कर रहे हैं प्रोटोकॉल को फॉलो करके अपना धंधा कर रहे हैं, लेकिन रामबन में इन रेड़ी वालों का काम जो है बंद करके रखा हुआ है। और मुझे समझ नहीं आती कि क्या वजह है, क्यों इन लोगों को सताया जा रहा है, क्यों? भाइयों, आप 6 महीने से आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, इवन उधार लेके रखा है, 6-6 महीने से उधार लेके रखा है, और इनकी रेड़ियां 6-6 महीने से बंद हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये इनजस्टिस क्यों हो रहा है? क्या रामबन के लोगों के साथ इतना इनजस्टिस किया जा रहा है? इनको अपना काम धंधा भी नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है, कोविड-19 चल रहा है, हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं, आज भी हम कोविड-19 का फॉलो कर रहे हैं, और मास्क पहना हुआ है, और ये लोग जो आपको इनको कहोगे फॉलो करेंगे और कर भी रहे हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक बड़ा होटल जो है वो चल रहा है, जहाँ 150-200 रुपए प्लेट मिलती चावल की, और यहाँ पे ये 40 रुपए चावल की प्लेट देते हैं। सौ भाई 40 रुपए में फुल पेट भर के खाना खिलाते हैं। गरीब आवाम जो दूर दराज से आएगी, कोई बलियोत से आएगी, कोई गांव से आएगी, कोई बलावत से आएगी, मैत्रा से आएगी, कोई और कहीं राजगढ़ से और कहीं से आएगी, गरीब आवाम जो है 40 रुपए की प्लेट नहीं मिलने की वजह से भूखी घर चली जाएगी। वो आदमी भूखा घर जाएगा और रास्ते में दम तोड़ देगा। वो क्यों हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है? क्यों गवर्नमेंट हमें धोखा दे रही है? और इन गरीबों का, जो गरीब गांव के आते थे यहाँ काम करने, अब यहाँ कोविड-19 चल रहा है, कोई चेक कराने आ रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, उसको 40 रुपए में खाना मिलता था, लेकिन वो 40 रुपए में खाना नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है उनका, वो बड़े होटलों में खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन गरीबों की रोजी रोटी क्यों आपने बंद की है? इनकी रोजी रोटी क्यों बंद की? हमें कारण बताएं, हमें गवर्नमेंट कारण बताए कि इनकी रोजी रोटी क्यों बंद की है आप लोगों ने। तो मैं कहना चाहता हूँ, सख्ती के साथ कहना चाहता हूँ, ये गरीब लोग हैं, इसलिए आपने इनकी रोजी रोटी बंद की है। अगर ये अमीर होते तो आप इनको सिर पे उठा लेते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से, कि वो ये ना सोचे यहाँ कोई नहीं है, यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ भी लीडर है। ये लीडरलेस नहीं है रामबन, आज कोई ये ना सोचे लीडरलेस है, यहाँ लीडर है, जो इनकी आवाज आप तक, मैं कहता हूँ LG तक आवाज पहुंचा। मैं LG से भी कहना चाहूंगा, LG साहब से कहना चाहूंगा कि रामबन एडमिनिस्ट्रेशन को लगाए, क्यों नहीं पूछ रही है रामबन एडमिनिस्ट्रेशन को, क्यों लोगों को मारा जा रहा है यहाँ, क्यों लोगों के साथ बेइंसाफी की जा रही है? तो मैं इसलिए इन लोगों की आवाज बन के यहाँ आया हूँ। ये लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ इस अड्डे पे, ये लोग काम करते थे, इनका काम बंद है। आप कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, जो आपने टेस्ट करना है, टेस्ट करिए, पहले इजाजत दीजिए, क्यों भाई हो, पहले इनको इजाजत दीजिए काम करने की। रोटी 2 किलो चावल बनाते हैं, राजमा चावल वो बेचते हैं, वही 2 किलो राजमा चावल से घर चलाते हैं अपना। आप घर भी नहीं चलाने दे रहे, आप आलीशान घरों में रहते हैं, आप अपने आलीशान बंगलों में रहते हैं, आप करोड़ों रुपए पैसा कमा रहे हैं, इनको आप 10 रुपए नहीं कमाने दे रहे, क्यों नहीं कमाने दे रहे आप इनको? तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान दे। हम दोबारा बार बार यहाँ इन लोगों को नहीं बुलाएंगे, अब हम अगर बुलाएंगे इनको, फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के जो दफ्तर हैं बाहर, उनके बाहर धरना देंगे गेट पे, हम किसी को अंदर बाहर नहीं आने देंगे, फिर नहीं कहना कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। जय हिंद।